कि अगर अभी आपके हिसाब से इस मार्केट में सेक्टर के हिसाब से देखें तो कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव दिख रहा है आपको? टाइम फ्रेम बताइए जरा, जी, मेरी आवाज निवेश आ का रही है टाइम आपको? फ्रेम बताइए ना, उस हिसाब से ये सेक्टर चुन सकते हैं ना। हाँ, अब आपकी आवाज अब आएगी, बताइए क्या बोल रहे थे आप? आपकी आवाज नहीं, आने हम देते मुझे। निवेश का टाइम फ्रेम बताने की जरूरत है क्योंकि हाँ, टाइम, हाँ, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कम से कम 4 साल 5 साल के लिए पैसा लगाना चाहता हो, अभी इस मार्केट कंडीशन में घुसना चाहता हो, तो किस सेक्टर पर ज्यादा भरोसा करे? मैं कहूंगा कि बीएफएसआई सेक्टर पे। इसके कारण यह है अच्छा, कि बीएफएसआई खाली बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग के अंदर ही आपको लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक है, स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक, पीएसयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फिर एनबीएफसीज भी आते हैं, माइक्रो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस आते हैं, फिर वेल्थ मैनेजमेंट के ब्रोकिंग काउंटर्स, वेल्थ मैनेजर्स, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, ये सब है। तो ये बहुत डाइवर्सिफाइड प्ले है। और इकोनॉमी में एक बात सही है कि इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12 से 15% में बढ़ रही है, तो पर कैपिटा जीडीपी भी आगे बढ़ेगी, तो डिस्पोजेबल सरप्लस लोगों के हाथ में बढ़ता जा रहा है, तो वेल्थ मैनेजमेंट और ये जैसे देख रहे हैं एसआईपी बुक, तो उस साइड से भी बीएफएसआई को बेनिफिट मिलेगा। एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट एक्सपेंशन की डेवलपमेंट में बैंक्स का भी लेंडिंग का हाथ बहुत होगा। अब रिसेंटली बैंकिंग सेक्टर उतनी नहीं चली है बिकॉज कुछ सारे डाउट्स आ गए, निम्स के ऊपर प्रेशर की बात है, म्यूचुअल फंड के ऊपर पैसा बैंक से हटकर जा रहा है, आरबीआई ने भी रिटेल पे कुछ रेस्ट्रिक्शन डाला, इसलिए बैंकिंग सेक्टर पे उतना आपने रुझान नहीं था, उतना एक आउटलुक नहीं था। मगर एक मीडियम टर्म आउटलुक में मैं मानता हूं कि इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ बीएफएसआई का ग्रोथ बहुत बढ़िया होगा, तो मेरे ख्याल में बेस्ट सेक्टर होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। पूरा वाइड सेक्टर है ये, उसी में मैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल। सुदीप जी, आपसे मैं पूछूंगा, चूंकि सेक्टर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग जो पैसा लगाना चाहते हो, सीधा सवाल का जवाब चाहते हैं कि पैसा हमें लगाना है, बताओ कहाँ लगाना है, वहाँ लगा देते हैं। तो कंपनी का नाम नहीं, सेक्टर के हिसाब से आपसे पूछूं कि दो सेक्टर जिस पे मैं आपसे कमेंट चाहूँगा, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि नई सरकार जब से आई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, कैपेक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? और दूसरा यह है कि पिछले कई कुछ सालों में पीएसयू सेक्टर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन अब ऊपर से काफ़ी हद तक नीचे गिर चुके हैं, 30 से 40 40% का करेक्शन आ चुका है। तो पीएसयू से अब दूर रहना चाहिए कि नहीं, इस गिरावट के बाद अब घुसने का समय आ गया है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें कोई निवेशक को 4-5 साल के लिए निवेश करना है, जो सवाल आप कर रहे थे, तो वहां पे तो मैं सबसे जो दिग्गज कंपनी है वहीं पे खरीदारी की सलाह दूंगा, लार्सन टुब्रो। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ऑर्डर बुक बहुत तगड़ा है, और भी ऑर्डर मिल रहा है, मिलेगा भी। ऑर्डर इंटरनेशनल ऑर्डर 1/3 है, और मार्जिन प्रोफाइल चेंज हो रहा है, जो सब्सिडियरीज है वो भी बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो बेझिझक हाइड्रोकार्बन, जो कि पहले मतलब इतना बड़ा बिजनेस नहीं था, अब बड़ा बिजनेस बन गया है, और वहां पे बहुत जबरदस्त ऑर्डर फ्लो है, तो सब मिला के यहाँ पे बेझिझक लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है। दूसरा जो आपने पीएसयू का बात कहा, ओवरऑल पीएसयू बोल के मैं नहीं देखता हूँ, मैं सेक्टर वाइज देखना चाहता हूँ, और यहाँ पे एक सेक्टर हमारा बहुत फेवरेट है, वो है पावर। पावर सेक्टर में एक स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, स्ट्रक्चरल चेंज आया है, और इसके चलते सारे पावर रिलेटेड स्टॉक्स में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है, तो यहाँ पे भी मैं लंबी अवधि के लिए जो दिग्गज कंपनी है एनटीपीसी, वहां पे खरीदारी की सलाह दूंगा। सरकारी कंपनी है, पीएसयू है, पर यहाँ पे भी जो सब्सिडियरी एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आ रहा है आने वाले दिनों में, कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्रोड्यूसर है, और इनका बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस बहुत अच्छे हैं, और जो ट्रेडिशनल एनर्जी कंपनी होने के साथ साथ इन्होंने एक बहुत अच्छा ग्रीन एनर्जी बिजनेस भी खड़ा कर लिया है, जो कि सब्सिडियरी है और जिसका आईपीओ आने वाला है। ओवरऑल हम मानते हैं कि यहाँ पे भी निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। चूंकि रिन्यूएबल की बात बार बार चल रही होती है, तो पावर सेक्टर की जब आप बात कर रहे हैं सुदीप जी, रिन्यूएबल सेक्टर को लेके क्या ऐसे ही राय है कि नहीं, वहां थोड़ा सा आप कंजर्वेटिव रहेंगे? आपने रूरल सेक्टर की जिक्र किया, रिन्यूएबल सेक्टर की, रिन्यूएबल में भी हमारा व्यू पॉजिटिव है, पर रिन्यूएबल्स में ऐसा है कि वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है। आप जो रिन्यूएबल सेक्टर्स के जो कंपनी है वहां पे वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है, इसीलिए मैं स्पेसिफिक रिन्यूएबल कंपनी में अभी खरीदारी की सलाह नहीं दे रहा हूँ लंबी अवधि के लिए। और इसमें बहुत सारे पहलू भी, ग्लोबली रिन्यूएबल जो सेक्टर के जो कॉम्पोनेंट्स हैं उसके प्राइसेस गिर रहे हैं,
इंडिया में वहां पे अभी भी ट्रैक्शन है, पर कितना देर रहेगा, कौन सा रिन्यूएबल सेगमेंट सक्सेसफुल होगा, ये बताना मुश्किल है। तो स्पेसिफिक रिन्यूएबल कंपनीज में मैं अभी ध्यान देने के लिए नहीं कहूंगा। बिल्कुल, अभी कोई ध्यान देने की बात नहीं। अभय जी, आपका आजकल कहाँ फोकस चल रहा है, किस सेगमेंट पे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं और अपने क्लाइंट का पैसा लगवा रहे हैं? देखिए, दो तीन सेक्टर्स हैं जिसपे हम पिछले, मैं कहूँगा, 6 महीने से बुलिश हैं, और धीरे धीरे रिसर्च भी काफी करी है और देख रहे हैं उसमें ऑलरेडी पॉजिटिव रिटर्न्स भी। एक है सबसे बड़ा, उसमें जो एक रिबाउंड हमने देखा है वो है इंश्योरेंस सेक्टर में। इंश्योरेंस में क्या हुआ, पिछले 4-5 साल से एकदम साइडवेज गए हैं लीडिंग स्टॉक्स भी, और वो इसलिए कि स्ट्रक्चरल प्रेशर्स थे इन स्टॉक्स पे, वैल्यूएशंस भी काफी एलिवेटेड थी। पर अब फाइनली जो ग्रोथ मिसिंग थी वो वापस आ रही है। वो इसलिए आ रही है कि एक सरकार का फोकस है कि प्रोटेक्शन जो है वो आम जनता को प्रोवाइड करा जाए, लाइफ का, हेल्थ का, नॉन हेल्थ का, प्रॉपर्टी का। तो इस हिसाब से जो भी लीडिंग कंपनीज हैं इस स्पेस में, मुझे लगता है अगले 5 साल तक काफी अच्छा बिजनेस करेंगी, और उसका पूरा फायदा इन्वेस्टर्स को मिलेगा, और वैल्यूएशंस भी बहुत रीजनेबल हैं इस समय। तो एक पेशेंट इन्वेस्टर्स के लिए इंश्योरेंस, लाइफ, नॉन लाइफ, हेल्थ, तीनों सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। दूसरा एक हमारा फोकस रहा है फार्मास्यूटिकल स्पेस पे, और अगेन एक ऐसा स्पेस है जो कि साइडवेज करेक्शन से गया है, पर इसमें दो तबके हैं लक्ष्मण जी। एक तो जो एक्सपोर्ट करती है हमारी कंपनीज, बड़ी कंपनीज हैं जैसे दिवीज है, डॉक्टर रेड्डीज है, ये कोई मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर मैं सेक्टर बताने के लिए नाम ले रहा हूँ। ऐसी कंपनीज के लिए एक काफी पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, स्पेशली यूएस में, क्योंकि यूएस में जेनरिक्स की शॉर्टेज है, तो इन कंपनीज के पास एक प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है। दूसरी, इनकी प्रोडक्ट पाइपलाइन भी बहुत अच्छी है। तो फार्मास्यूटिकल एक ऐसा स्पेस है, और इसमें सेकेंड पार्ट है जो डोमेस्टिक मार्केट है, वहां पे भी पिकअप है। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है काफी, जो उसमें 3 लिस्टेड भी है, वो एक मुझे लगता है काफी बड़ा इमर्जिंग स्पेस बनेगा अगले 3 से 5 साल में। और इसके अलावा, फार्मास्यूटिकल इंश्योरेंस के अलावा, जो तीसरा सेक्टर है जहां पे हम बुलिश हैं, वो है नॉन फेरस मेटल का, एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन, निकल, जिंक, स्टील, ये जो सारी कंपनीज हैं। और इसका थीसिस ये है कि अगेन कोविड के बाद से, सिंस चाइना में कंजम्पशन काफी कम थी, तो डिमांड कम होने की वजह से इन कमोडिटीज के प्राइसेस काफी फ्लैटलाइन हुए हैं, और अब थोड़ा चाइना जैसे रिफ्लेट करेगा, डिमांड वापस आएगी, और चाइना 50% कमोडिटीज कंज्यूम करता है दुनिया की। तो जब ये कंजम्पशन दिख रही है ऑलरेडी वापस आ रही है इस एनवायरनमेंट की, कि इन्वेंट्री भी लीन है और सप्लाई भी कम है, तो एक नॉन फेरस मेटल एक ऐसा स्पेस है जहां पे अच्छी एक ग्रोथ आ सकती है, प्राइस की भी और वॉल्यूम की भी। तो लक्ष्मण जी, ये तीन स्पेस है, इंश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल और नॉन फेरस मेटल, जहाँ पे हमारा अभी ओवरवेट है पोर्टफोलियो में। बिल्कुल अभिषेक जी, आपसे मैं एक सवाल थोड़ा सा अलग हट के पूछ रहा हूँ, जिस सवाल से मैं भी आमतौर पर रूबरू हो रहा होता हूँ, क्योंकि CNBC आवाज़ से हूँ तो लोग कई बार जाता हूँ तो पूछते हैं कि ये बताइए कि ऐसा कोई कंपनी या फिर ऐसा कोई सेक्टर जहाँ पैसा लगाऊँ और एक आध साल में दोगुना हो जाए। फलाने ने लगाया था जी कोविड के बाद, तो उसका पोर्टफोलियो तो 8 महीने में दोगुना होगा। तो कोई एग्जाम्पल देता है HCL का कि हमने पैसा लगाया, देखिए अभी दोगुना हो गया। तो ये जल्दी से पैसा बनाने का जो अनुभव रहा है पिछले कुछ सालों में, उस अनुभव के आधार पर अभी उस अपेक्षा के साथ पैसा लगाना सही रहेगा क्या, या फिर अभी गुंजाइश है वैसा? अभिषेक जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि, देखिए ये जो हमने इन दिनों में हमने जो देखा है ना, वो अनप्रेसिडेंट है। ऐसी कोई पास्ट में आप किसी भी मार्केट में आपने देखा नहीं होगा किस तरह से हुआ है, जहां अगर हम ऐसे में स्टॉक एक्सचेंज को अगर हम देखें, या हम इवन लिस्टेड में जो IPO का मार्केट देखें, तो ये हर तरह से इंडिकेट करता है कि देर वॉज अ फ्रेंजी, देर वॉज अ बबल। एंड सबको पता है, मतलब ऐसी कोई नई बात मैं नहीं कर रहा, बट होता ये है कि हमारे बताने से अजीजें नहीं हो जाती। मार्केट अल्टीमेटली गॉड है एंड डिमांड सप्लाई का गेम है। अभी सडनली आप देख रहे हो सप्लाई साइड के अंदर में जो है वो पूरी बदलाव हो गई है, और अभी जो डिमांड थोड़ी सी ऑल्टर हो रही है, इसलिए हम इस तरह के रिएक्शन देख रहे हैं, और सैनिटी की तरफ मार्केट आएगा। सो इस अपेक्षा में कि जैसे रिटर्न हमने पास्ट में देखे, क्या वैसे फ्यूचर में बनेंगे, आंसर इज नो। टिपिकली मार्केट से आप जब एक्सपेक्ट करते हो, मुझे याद है हम लोगों का एक बेंचमार्क होता था कि आपने साल में पोर्टफोलियो लेवल पे अगर 18% या 24% बना लिया तो बहुत ही कमाल कर दिया, बल्कि 24% साल का निकालना, तो मतलब पोर्टफोलियो लेवल पे वो सपोज टू बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। आज की डेट में तो मेरे को लग रहा है लोग शायद 6-6 महीने या 12 1-1 महीने की बातें करते हैं।
सो ये सब होता नहीं है. आई थिंक सो वी नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग दैट एट अ लॉन्ग टर्म रिटर्न. अगर आप देखेंगे तो वो वैसे ही एवरेज आउट हो जाता है. 10 साल की अगर आप रिटर्न निफ्टी के देखेंगे तो 10% के आसपास, 30% के आसपास आपको दिखेगी मोटा मोटा. एंड अगेन ये फेस टू फेस डिपेंड करते हैं. कोविड के बाद देखेंगे तो नंबर अलग दिखेगा. सो डिपेंड कर रहे हैं हम कंपेयर भी क्या चीज से कर रहे हैं. मोटा मोटा यही कह सकते हैं कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन की ऑल्टरेशन करना बेहतर रहेगा. इससे आप रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम लेंगे और क्वालिटी में रहेंगे. अदरवाइज पैसे आप बनाने के चक्कर में कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो बाद में निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही कि पिछले कुछ सालों में जो रिटर्न आया उसी को बेंचमार्क मान के आप पैसा ना लगाएं और वैसी अपेक्षा ना रखें. लॉन्ग टर्म में रहेंगे तो जाहिर तौर पर एक औसतन ठीक ठाक रिटर्न आपको मिल जाएगा. हालांकि इन दिनों मार्केट में दो सेगमेंट काफ़ी बज में है, एक आईटी है और दूसरा आईपीओ है, खासतौर से हुंडई को लेकर के. इस दोनों पर चर्चा करेंगे आप सभी मेहमानों के साथ, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं.